प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा संयुक्त अरब अमीरात से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश खाड़ी देशों के नेताओं के साथ चर्चा का मुख्य विषय होगा। शनिवार 10 फरवरी को यूएई की दो दिवसीय यात्रा से पहले गल्फ न्यूज एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में मोदी ने इसके साथ अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहा कि वो 4 से 6 घंटे सोते हैं और उन्हें सादा शाकाहारी भोजन पसंद है। अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि वो शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायत अबू धाबी के शहजादे तथा यूएई सशस्त्र बल के उप सर्वोच्च कमांडर से मुलाकात करेंगे। सोने की आदत और दैनिक दिनचर्या के बारे में पूछे जाने पर 67 साल के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 4 से 6 घंटे की नींद लेता हूं, जो काम काम पर निर्भर करता है, लेकिन मैं हर रोज गहरी नींद लेता हूं। वास्तव में बिस्तर पर जाते ही मैं कुछ मिनटों में सो जाता हूं। उन्होंने कहा, मैं सोते समय कोई चिंता करते हुए नहीं सोता और रोज सुबह तरोताजा होकर जागता हूं और नए दिन का स्वागत करता हूं। मोदी ने कहा, उनके दिन की शुरुआत योग से होती है। उन्होंने कहा, मैं नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर नागरिकों की टिप्पणी और प्रतिक्रिया को देखता हूं। ये देश भर से लोगों से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। मोदी ने कहा, बिस्तर पर जाने से पहले मेरे पास भेजे गए दस्तावेजों को देखता हूं। मैं अगले दिन की बैठकों की तैयारी भी करता हूं। पसंदीदा भोजन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं खाने का बहुत शौकीन नहीं हूं। मैं साधारण शाकाहारी भोजन पसंद करता हूं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।